और जो उद्घाटन के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन उसका उसकी भी जो है काफी सारे डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी नहीं आए हैं उद्घाटन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार जनता को यह खास तोहफा देने जा रही है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में पीएम इसके उद्घाटन के लिए नागपुर आएंगे। इस एक्सप्रेस का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का हाईवे है। जरूरत होने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इस रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ने के लिए टोल टैक्स भी देना होगा। इसके लिए 26 टोल टैक्स काउंटर बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 55,000 करोड़ आकी गई है। इसे आधिकारिक तौर पर बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के तौर पर भी जाना जाता है। एक्सप्रेसवे का पहला फेज नागपुर से शिरडी तक बनकर तैयार है। तो आइए देखते हैं समृद्धि महामार्ग की लाइव अपडेट्स और आपको वहां की पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो लिखा हुआ है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, और ये है टोल गेट या फिर आप इसे टोल प्लाजा भी कह सकते हैं। और इसके जस्ट यहाँ पे सामने में यहाँ पर जो है रेट भी दिया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कौन से वाहन का कितना प्राइस है तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो टोल प्लाजा है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कैमरे वगैरह सब कुछ यहाँ पे लग चुका है। और उसके जस्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ये एक ऑफिस है जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है। तो ये भी यहाँ पर बन चुका है, पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अभी हम जाते हैं बाहर में और बाहर का जो है हम आपको सारा व्यू दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है पूरे सिग्नल वगैरह जो है लग चुके हैं और पूरा जो है जो गेट है वो सब कुछ बन चुका है और रेडी हो चुका है। और सभी तरफ जो है कैमरे लग चुके हैं, पूरी तरीके से जो है कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो है गेट लगे हुए ताकि जो है यहाँ से अंदर कोई जा नहीं सके। तो दोस्तों हम आ चुके हैं टोल गेट के पास। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टोल गेट का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर बन रहा है, इसके ऊपर जो है सिर्फ टाइल्स लगाना बाकी है और नाम लिखना बाकी है। नागपुर से लेकर तो जो शिरडी तक का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बस 1-2% जो है काम बचा हुआ है। और जो है सिर्फ उद्घाटन होना यहाँ का सिर्फ बाकी है। और जो उद्घाटन के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन उसकी भी जो है काफ़ी सारे डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी नहीं आए हैं उद्घाटन के लिए। तो अभी आप वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा जो है पंडाल डाला गया है प्रोग्राम के लिए, उद्घाटन के लिए सारी जो है तैयारी हो चुकी है। अब हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ का जो है हम आपको सारा व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर जो है उद्घाटन के लिए काफ़ी बड़ा जो है पंडाल लगाया गया है। तो दोस्तों आप पीछे में देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोल प्लाजा देखने को मिलेगा। जस्ट उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ा जो है पंडाल यहाँ पे बना हुआ है। तो यहीं पर जो है उद्घाटन का जो है प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना विशाल जो है यहाँ पे पंडाल बना हुआ है, देख सकते हैं काफी बड़ा जो है उद्घाटन का जो है प्रोग्राम होने वाला है। और सब कुछ जो है यहाँ पर व्यवस्था हो चुकी है, बस उद्घाटन का जो है यहाँ पर होना बाकी है। तो
उद्घाटन जो है 23 तारीख को होने वाला था, अभी जो है डेट निकल के आई है 27 तारीख को जो है यहाँ का जो है उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं उद्घाटन करने के लिए, तो अभी बता नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं, मतलब ऑफिशियली जो है डेट निकल के नहीं आई है, बस बताया गया है कि 27 तारीख को जो है उद्घाटन होने वाला है। वैसे 23 तारीख बताई गई थी, वैसे ही 27 तारीख अभी बताई गई है, तो देखते हैं अभी 27 तारीख को जो है उद्घाटन होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ का जो है काम पूरी तरीके से जो है कम्प्लीट हो चुका है, बस उद्घाटन जो है होना बाकी है। सर दोस्तों अब हम जा रहे हैं टोल नाका को पार करते हुए आगे में, तो आगे का भी जो है मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर भी गेट लगे हुए, आराम से निकलना पड़ेगा बाहर। एक बात है लेकिन काफी ज्यादा मजा आ रहा है इस एक्सप्रेस वे पे जो है गाड़ी चलाने में, काफी ज्यादा मजा। टोल प्लाजा का बस टोल पर अगर आप आगे आएंगे तो आगे में भी जो है आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। इसकी काफी ज्यादा जरूरत होती है हमको। यहाँ पर भी जो है ग्रीन वॉल लगाई गई है दोनों तरफ देख सकते हैं, जिससे कि जो है गाड़ियों की आवाज़ जो है बाहर जा ना सके, क्योंकि गाड़ियों की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है और काफ़ी सारे जो है बाहर यहाँ से जाने वाले तो काफ़ी सारी आवाज़ होगी। ग्रीन वॉल या साउंड वॉल भी बोल सकते हैं वहाँ पर लगाए गए। फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं, वही है ये वही टूटा हुआ था, काफी खूबसूरत नजारा दिख रहा है यहाँ से। अगर आप यहाँ से जाओगे तो आप काफी अच्छे मजे लेते हुए जाओगे इस व्यू का और इस एक्सप्रेस वे का। नॉर्मली जो है आप नागपुर से जो अगर मुंबई जाओगे तो आपको जो है 16 घंटे लगेंगे, 16 आवर लगेंगे, और अगर आप इस एक्सप्रेस वे से जाओगे तो कम से कम जो है आपको सिर्फ 8 घंटे लगने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम सामने आया तो वहाँ पे जो है एक भी जो है टर्निंग पॉइंट नहीं मिला, काफी ज्यादा सामने आने के बाद जो है हमको टर्निंग पॉइंट यहाँ पे देखने के मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गेट लगा हुआ है और उस साइड में भी गेट लगा हुआ है, तो उस पार से आप इस पार आ सकते हो। मतलब कि अगर आपको कोई इमरजेंसी रही या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई इश्यू आ गया, तो आप जो है यहाँ से टर्निंग लेके वापस जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है गेट लगा हुआ है तो यहाँ से भी कुछ टर्म या कंडीशन होंगे
हो सकते हैं शायद से पता नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे जो है गेट लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आप टर्निंग लेके जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह या फिर कोई रहेगा तो उनको जो है इन्फॉर्मेशन देके आप वापस जा सकते हो। और ये पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ ये वही अंडरपास है जो टूट चुका था, इसको अभी फिर से रिपेयर किया गया है। और ऊपर में देख सकते हैं ऊपर में वो जानवरों के लिए आने जाने के लिए जो है ऊपर में रास्ता बनाया गया है ताकि जानवरों को जो है तकलीफ ना हो और वो इस पार ना आ सके, ठीक है ना। तो अभी हम जाते हैं आगे और सामने से जो है आपको जो है जो वो जो है ब्रिज उसका जो है आपको सारा व्यू दिखाते हैं, पूरी तरीके से जो है कम्प्लीट हो चुका है वो। तो दोस्तों ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये वही ब्रिज है जो सर्कल शेप में इसके पहले बना हुआ था, और ये वही ब्रिज है वो जो टूट चुका था जो सर्कल शेप में बना हुआ था। अभी इसे फिर से जो है रिपेयर करके बनाया गया है, काफ़ी स्ट्रांग काफ़ी मजबूत जो है अभी बनाया गया है देख सकते हैं, और पूरी तरीके से बना गया। इसके ऊपर जो है मतलब क्या पेंट वाइट कलर का जो है पेंट मारा गया है, तो पूरी तरीके से जो है ये वाला ब्रिज जो है रेडी हो चुका है देख सकते हैं। ऊपर से जो है एनिमल जो है वाइल्ड एनिमल जो है आना जाना यहाँ से करने वाले हैं ताकि जो है इस रोड पर जो है आना सके, उनके लिए जो है ऊपर से वे बनाया गया है। अभी हम जा रहे हैं इस ब्रिज के आगे में, तो इस ब्रिज के आगे का भी जो है हम आपको सारा व्यू दिखा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो आजू बाजू में जो है आपको चट्टानी चट्टान बड़े बड़े चट्टान जो है देखने को मिलने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू जो है देखने लायक है। नागपुर से जो है हम काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सो दोस्तों फाइनली जो है हमने समृद्धि महामार्ग की आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए, सारे अपडेट दे दिए, और साथ ही साथ जो है हमने आपको सारे व्यूज़ भी दिखा दिए, और साथ ही साथ जो है हमने इस ब्रिज को भी कवर किया है, इस ब्रिज के भी हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए और सारे अपडेट भी बता दिए। तो ऐसे जो है वीडियोस देखने के लिए अपडेट देखने के लिए इस वीडियो को जो है आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और ऐसे जो है अपडेट जो है इस चैनल पर आते रहेंगे तो इस चैनल पर जो है बने रहें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए MNS News Live चैनल पर जो है आप बने रहे। धन्यवाद।